उस टाइम इसकी वेटिंग कम से कम एक साल की वेटिंग चल रही थी कि आज के टाइम मार्केट की इस टाइम नंबर वन पे है। बोलते दिल्ली चले जाओ, करोलबाग चले जाओ, मुझे वहाँ ट्रस्ट नहीं है। हाँ। लोगों हटा दूं तो कोई नहीं है, सेम टू सेम आपकी रेंज रोवर लगती है। ठीक, दो मुझे काफी पसंद आते हैं और ये दो रिकमेंडेशन पे भी रहती है। चाहे मेरी घर में मेरी खड़ी खड़ी सड़क को दिखाने अपने पास ही रखो कि भाई मेरी मेहनत की है। चैनल अगेन आज हमारे साथ में है एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर बहुत लंबा वेटिंग पीरियड एंड ये सीएनजी में स्पेशली। तो आज मेरे साथ में है एक्चुअली ब्रेजा एलएक्सआई एंड इसके हम प्राउड ओनर। आज जानेंगे कि एक ब्रेजा ओनर जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से और क्या क्या कॉन्स जो है वो महसूस करते हैं इस गाड़ी के अंदर। चलो मेरे साथ में आज राठी भाई, वेलकम टू द चैनल, कैसे हो? हेलो सर। और ये बताओ ये पसंद कैसे आ गई आपको, ये बताओ मुझे इसके पीछे की स्टोरी। मुझे जो इसकी स्टोरी है कि मुझे इसलिए पसंद आई थी कि मेरा स्टार्टिंग से जो मन था कि मारुति कोई अच्छी गाड़ी लेने के लिए मेरा मन था। हाँ। उस टाइम ब्रेजा मुझे बहुत पसंद थी, शुरू से ब्रेजा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जो पहले वाला उसका लुक था उसके अंदर कलर भी बहुत अच्छे आते थे। हाँ। उसके बाद मुझे पता चला, उसके बाद मैं सेल्स के अंदर आया मारुति के अंदर। हाँ। तो उसी टाइम पे ये लॉन्च हुई थी। अच्छा, इसका तो मुझे हाँ जिस टाइम ये आया था इसका फेसलिफ्ट आया था ब्रेजा का, उस टाइम एलेक्साई पेट्रोल में लॉन्च हुई थी। हाँ। तो मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद था, मैं रोज पापा से बोलता कि मुझे ब्रेजा दिला दो, ब्रेजा दिला दो, ब्रेजा दिला दो। उस टाइम इसकी वेटिंग कम से कम एक साल की वेटिंग चल रही थी। अच्छा। अगर मिलती थी तो वो भी कोई ना किसी का बड़े लिंक हो या मारुति में कोई डायरेक्ट उसका लिंक हो, जब ये मिलती थी, वरना मिलती नहीं थी। अच्छा, मिलने से आ रहा है आपको कितने दिन में मिल गई? मुझे तो सर 3 दिन मिल गई, मैं तो कंपनी का ही हूँ तो मुझे 3 दिन के अंदर ही मिल गई थी। वैसे एवरेज वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है? अप्रोक्स जो इसका वेटिंग पीरियड है इस टाइम 6 to 8 months है जो एलेक्साई सीएनजी के अंदर है। अगर पेट्रोल की बात करूँ तो अभी साल भर की ही वेटिंग है। साल भर की? हाँ जी। वो भी सर मिलती नहीं है, बहुत से कस्टमर्स आते हैं कि बोलते हैं कि हमें ये वाला कलर चाहिए, फिर कलर पे बात अड़ जाती है। अगर मान लो 1% हमारे पास इंडेंट लगा देते हैं, 1% हमारे पास आ गया, अब उस कस्टमर को कलर नहीं चाहिए तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है इस टाइम। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम मार्केट की इस टाइम नंबर वन पे है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है। 4 स्टार 5 स्टार दोनों है सर, बस देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन क्या दे रहा है। अगर मैं कमी की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है सर। अगर ओरो की मैं बात करूं, अगर कोई कमी निकालता है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एलेक्साई वेरिएंट में आपको रियर में एसी मिल रही है। ठीक, लुक वाइज आगे से ले लो, पीछे से ले लो, रेंज रोवर का लुक मिल रहा है। अगर पीछे से मैं मारुति सुजुकी का लोगो हटा दूं तो कोई नहीं है, सेम टू सेम आपकी रेंज रोवर लगती है। ठीक, ये चीज। अच्छा। हाँ जी। नहीं, अंतर तो है क्या रेंज रोवर और इसमें? ऐसा नहीं है, डायमेंशन का अंतर है, बहुत सारे अंतर है। बस ये कि भाई बहुत से लोग लुक अलाइक कह सकते हो कि हल्की सी लगती है पीछे से, वो भी पीछे से इवोक जैसा छोटा भाई कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हो। और देखो ये तो चलो बातें होगी कितने दिन में, कितने की पड़ी है पहले ये तो बताओ। ये सर जो ऑन रोड हमको पड़ रही है मुझे पड़ी है 10,84,000 रुपए में। कितने टाइम पहले? ये आज से 3 महीने पहले। लगभग इतना ही प्राइस अभी भी होगा? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये मैंने अपने बर्थडे पे निकाली थी। अच्छा, 1 जुलाई में। 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 4-5 महीने आपको? 4 महीने पूरे हो गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो तो ड्राइव करते टाइम जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे कि एक ना शिकायत मारुति सुजुकी में पड़ी है, हल्का सा ऐसे करो तो वो दब जाता है या कुछ ऐसा शिकायत, इसमें क्या लगता है, क्या महसूस होता है? ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे खड़े होता है तो लीन होके कुछ दब? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेस्ट करके। पहले जो गाड़ी आती थी उसका तो मुझे नहीं पता, देखो उस टाइम मैंने मारुति में तनाव था कि मैं मारुति में वर्क कर रहा हूँ, तो जो मुझे पता है अब बेटर क्वालिटी आ रही है, हार्टेक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। हाँ। इंजन में बहुत परफॉर्मेंस करी है, ड्यूल ब्यूटी, पहले सिंगल आता था, ड्यूल ब्यूटी आ रहा है, ड्यूल जेट भी आ रहा है। हाँ। तो बेटर परफॉर्मेंस करी है। पहले सोकर्स भी होते थे तो ऐसे कहीं भी, अगर जैसे मान लिया आज के टाइम में पता इंडिया के अंदर गड्ढे कितने हैं, तो इजिली अगर आदमी लेके जा रहा तो लीक ही होने थे। अच्छा, मैं इसे चला रहा हूँ, मैं ये देख लो जो मैंने चलाई है, भारी बार चलाई है। हाँ। सबसे पहले से बालाजी ले गया। हाँ। खाटू श्याम ले गया। हाँ। फिर उसके बाद नीम करौली बाबा गया। हाँ। फिर देहरादून गया। तो मिनिमम मैंने ये जो पेट्रोल पे चलाई होगी अप्रोक्स 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चलाई होगी, बाकी सीएनजी में ही चली है। अच्छा। तो मुझे सेम परफॉर्मेंस लगी। अच्छा। मुझे कोई ना परफॉर्मेंस को जो है वो रोकते हैं आगे के लिए, सारा सस्पेंस अभी यहीं पे भाई खोलते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले सर मेरे पास एसेंट थी, एसेंट 2010 मॉडल, पेट्रोल सीएनजी। पेट्रोल? अच्छा, उसमें सीएनजी आफ्टर मार्केट लगाई होगी? नहीं नहीं, वो कंपनी फिटेड ही आई थी। अच्छा, उस टाइम आया करती थी एसेंट में सीएनजी आती थी सर? अच्छा, वो कैसी चलती थी? वो भी सर बेटर परफॉर्मेंस थी, उसमें मैंने काफी चेंजेस करे थे। मैंने एक क्या नाम है टीचर थे, तो उन्होंने जो गाड़ी चलाई थी अप्रोक्स 30,000 किलोमीटर चलाई थी, उसके बाद मैंने उनसे गाड़ी ली थी, उसके अंदर एलॉय, फिर उसके अंदर मैंने उसका इंटीरियर सब चेंज करा। आप एक बार श्योर हो जाओ कि वो सीएनजी कंपनी फिटेड थी कि आफ्टर मार्केट थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आफ्टर मार्केट होगी सर। एक वो सी सेगमेंट सेडान थी, उस टाइम सी सेगमेंट सेडान में शायद सीएनजी कोई नहीं दे रहा था सर, इस चीज का नहीं हो सकता। पर हाँ, कंपनी फिटेड थी, ओनआरसी मेरे पास थी, सब चीज थी। अच्छा, हाँ ये था। चलो ये इनके बारे में बात करते हैं। ये हेडलाइट मुझे तो देखो काफी अच्छी लगती है। जी जी। इनका थ्रो कैसा है? थ्रो बहुत अच्छा है सर, बेटर परफॉर्मेंस है। कि भाई बहुत सा होता है कि ये जो आपको पता सर्दी आ रही है। हाँ। तो फोक काटने के लिए सबसे बेस्ट यही है। अच्छा। क्योंकि जैसे आज सुबह मॉर्निंग में आ रहा था। हाँ। तो हाईवे पे आपका एक्सटेंशन वाला हाईवे है, तो उस पर फोक बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ। तो मैंने लाइट जलाई थी तो अपने आप ऑटोमेटिक सब कट रहा था। येलो लैंप ही है इसके अंदर या एलईडी है? नहीं नहीं, एलईडी नहीं है। आपने इसके अंदर हैलोजन वाला जो येलो है, आपने इसके अंदर वैसे क्या क्या काम कराया उसके बारे में बात करते हैं? इसके अंदर सर मैंने कुछ नहीं कराया, जो बाहर से मैंने जो एलेक्साई वेरिएंट के अंदर मैंने आपके सबसे पहले तो टॉप मॉडल वाले जेडएक्सआई प्लस के इसमें ये लगाए हैं एलईडी वाले। हां जी, कंपनी फिटेड है जो गाड़ी के अंदर। इसकी कॉस्टिंग कितनी आई? इसकी कॉस्टिंग आई है 6,500 रुपए। 6,500 रुपए। अच्छा, और बाकी मैं देख पा रहा हूँ की कुछ शायद ये लाइटें लगाई थी मैंने आपको बताया भी था, ये पुलिस वाली लाइटें लगा रखी है, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मैंने उसमें लगा रखी है। अच्छा, चलो साइड में चलते हैं। सबसे बड़ा बदलाव
जो मैं साइड में देख पा रहा हूँ ना, एक तो रूफ रेन की है, ये जो रेन वाइजर्स हैं, ये लगवाए थे आपने? हाँ, ये सब कंपनी फिटेड है सर, टॉप मॉडल। अच्छा, एसेसरी किट ली थी क्या पूरी आपने? मैंने सर सब कंपनी से ही काम कराया, मैंने बाहर से कोई काम नहीं कराया। क्या क्या कॉस्टिंग है इनकी बताओगे? इनकी कॉस्टिंग ऐसी पड़ी थी 2300 रुपए के पड़े थे, 2250 रुपए के ये पड़े थे नीचे वाली क्लैडिंग, और ये 2450 रुपए की सर पूरी पीछे तक है सर। अच्छा, हाँ जी, क्रोम लाइनिंग अलग से लगवाई है। और ये ओवरवीएम में अंदर ही आता था? ये तो ओवरवीएम में आता है, ये आता है सब में। और ये इलेक्ट्रिक एडजस्ट है या हैंड एडजस्ट? नहीं नहीं, हैंड एडजस्ट, हैंड एडजस्ट। और ये अलॉय व्हील्स मुझे जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़े इनकी स्टोरी सुनाओ। ये तो है तो वैसे ही स्टैंडर्ड साइज है, 215/60 रेडियल, 16 इंचेस हैं, लेकिन इसकी स्टोरी बताओ, ये क्यों चेंज करवाए? सर स्टोरी है कि देखो, आपके आज के टाइम में सबको पता है तो गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। हाँ। लोग बाग गाड़ी से लेते थे भाई, थोड़ा सा रोके थे ना रोला, हाँ। तो वाली चीज है मुझे पहले से। हाँ। तो गाड़ी लेने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया गाड़ी के अंदर क्या क्या लगाना है। जैसे एलेक्सआई के अंदर भाई स्क्रीन नहीं आती है, वो लगाई, हैंड रेस्ट नहीं आता वो लगवाया, एलॉय मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। जैसे मैंने गाड़ी शोरूम से निकाली थी तो उसके बाद पूजा कराई, देन में से शोरूम पे, क्या नाम है दोस्त का शोरूम है, वहां से मैंने स्क्रीन लगवाई, वहीं से मैंने शोरूम से एलॉय लगवाया। अच्छा, बाहर भी मैंने काफी जगह पता करी, दोस्त बोलते दिल्ली चले जाओ, करोलबाग चले जाओ, मुझे वहाँ ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने भाई यहाँ गाजियाबाद में कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं कह भी सकता हूँ, दोस्त भी है और उसको बोल भी सकता हूँ, कुछ दिक्कत होगी चेंज भी कर देगा। तो मैंने 16, उसने मुझे दो एलॉय दिखाए थे 16 इंची और 17 इंची के। अच्छा, अगर मैं 17 इंची के लगाता हूँ, ये मेरे टायर और स्टेपनी सब वो रख लेता, मुझे देता हूँ 35,000 रुपए में, जो कि वो आ रहे थे 45,000 रुपए में इसी के साथ में। फिर मैंने कहा कि यार मैं क्या करूंगा, तो 16 इंची ठीक है, बाकी फिर मुझे मान लो कोई दिक्कत हुई अड़ने लग जाए साइड में, क्योंकि मैंने लगवाया था तो ऑलरेडी इसकी विड्थ बढ़ गई थी। अच्छा, ऑलरेडी बढ़ी, आप भी देख रहे होगे कैमरे में, आपको सब दिख भी रहा होगा, तो विड्थ बढ़ी हुई है इसकी ऑलरेडी। तो मैंने कहा कि आप 16 इंची रहने दो, और मुझे एलॉय देखते पसंद भी आ गए थे। अच्छा, इसलिए मैंने फिर ये लगवाए थे। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे की कहानी जान लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे काफी सारी चीजें देखने को नजर है, जैसे कि एक्सेसरी पार्ट, ये लग रहा है मुझे ये वाला लाइन जो है वो ये भी नजर आ रही है, ये भी शायद उसी किट का पार्ट रहा होगा। नहीं नहीं सर, ये किट का पार्ट नहीं है, ये अलग मिलते हैं, मैंने ऑर्डर करे थे ऑनलाइन मारुति वेब पे। हाँ। तो मैं वहाँ पे मिले थे, मुझे अच्छा लगा था, मैंने ऑनलाइन कोई वीडियो देखी थी। हाँ। जो मुंबई का कोई लड़का था उसने लगवाया था, मुझे काफी अट्रैक्ट लगा था उसमें, उसकी व्हाइट कलर की गाड़ी थी, तो मैंने वहाँ से लगवाया था देख के। अच्छा, ये भी मेरी अच्छी थी, बहुत से बोलते थे शिकायत आ रही छुट्टी है ये, तो मेरी छुट्टी थी, मैंने जब से लगवाई ये भी लगवाई मैंने ऑनलाइन, ये दोनों ऑर्डर करी थी मैंने मारुति ऐप से। अच्छा, आफ्टर मार्केट मुझे मिली थी, पर आफ्टर मार्केट मुझे ट्रस्ट नहीं था, कैमरा नहीं लगवाया आपने? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पर चलो ये बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ तो हालांकि आपने ये लगवाई हुई है तो कितना इस्तेमाल में आ जाती है? अब तो कुछ ज्यादा स्पेस वैसे भी नहीं बची, कभी लॉन्ग ट्रिप वगैरह करते हुए हटानी पड़ती होगी ऑफिस की? नहीं नहीं सर, लॉन्ग ट्रिप पे भाई आज के टाइम आपको पता 4-5 लोग जाते जाते हैं। हाँ। ऑफिस के जितने मेरे साथ गए सभी गए, सर भी गए, टीममेट्स भी गए, अदर टीममेट्स भी गए, तो बहुत स्पेस है, नीचे बैग्स लेते हैं भाई, दिक्कत उनको होती है, जो क्या नाम है, जो पेट्रोली बैग आता है ना उनको प्रॉब्लम होती है, अगर बैग हो हैंड बैग हो तो कोई दिक्कत नहीं। कितने रख लोगे आप, अगर 4 जने जा रहे हो तो कितने रख पाओगे भाई? आप प्रोक्स आ जाते हैं, 4-5 बैग तो आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे बताओ? इसके नीचे तो वैसे वाले है, तो पिट्ठू बैग की बात कर रहे हैं, वैसे बैग नहीं आएंगे, नहीं ट्रॉली बैग नहीं आएगा, अगर कोई छोटा होगा तो 2 बैग ट्रॉली बैग जाएंगे, वो भी खड़े करके। अच्छा एक बात बताओ, टाटा एल्ट्रोज या ये टियागो वगैरह देखिए जिसमें 2 सिलेंडर आ रहे हैं? जी सर बिल्कुल देखा सर। वो आपको कितनी प्रैक्टिकल लगती है और ये कितनी प्रैक्टिकल लगती है? सर मुझे प्रैक्टिकल ये है कि उसमें आपको स्पेस मिल जाता है, ये अगर हम बात करें तो भाई वो तो मारुति करेगी, हम भी एक सेल्समैन ही है, हम भी बोलते हैं कि हमारी भी शिकायत है कि सर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं आपका। पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखो सर बूट स्पेस है उनके पास, हमारे पास नहीं है, ये मिस पॉइंट है। अच्छा, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कर सकते हैं, हम भी बोलते हैं, जैसे हमारी ट्रेनिंग्स होती है मारुति के अंदर, गुड़गांव भी जाते हैं हम, बाहर भी जाते हैं, जैसे मैं एक बार गया था जीरकपुर में रोन मोटर में जब वर्किंग था, तो हमने बोला था कि वहाँ पे ऑप्शन लगा था भाई बूट क्या नाम है ये सीएनजी के जो ऊपर आ रही है इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैंने सर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई बहुत सी गाड़ियाँ भाई वो नीचे दे रही है, भाई जो हमारा टायर है जैसे और भी गाड़ियाँ स्टेपनी नीचे दे दो, वहाँ पे आप अपना सिलेंडर दे दो, तो उस चीज का हमने रखा था मुद्दा, उन्होंने कहा था ठीक है सोचते हैं इस बारे में, तो वही चीज़ें बस सोच रहे हैं। पार्सल ट्रे पहले से आई थी? आती है सर। अच्छा, तो ये एलेक्सआई में लगभग सारी चीजें दे दी, पीछे के 2 हेडरेस्ट नहीं है वो बस प्लेन है ना। चलो अभी इंटीरियर्स में चलते हैं और इस गाड़ी को मैं चलाऊं? हाँ जी सर बिल्कुल। चलो दोस्तों, हम ना राठी भाई की गाड़ी चलाने के लिए आ गए हैं, हम चला रहे हैं सीएनजी वर्जन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 1.5 लीटर का इंजन है, ये प्रोड्यूस करता है 88 bhp ऑन सीएनजी एंड 103 bhp ऑन अगर आप पेट्रोल पे चला रहे हो। तो फिलहाल तो हम सीएनजी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसे सीएनजी में अगर मैं स्विच करूं उसको पेट्रोल पे तो भाई कुछ ऐसा फर्क नहीं है कि आप समझ पाए, अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं, गाड़ियों की फर्क रखते हैं आप, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि यहाँ पेट्रोल से सीएनजी पे अभी स्विच हुई है या सीएनजी से पेट्रोल पे स्विच हुई है। वरना अगर आप डेली यूजर हैं, कम्यूटर हैं, मुझे लगता है कि आप पहचान भी पाओगे कि अभी सीएनजी पे चल रही है। बहुत स्मूथ इसका जो है वो यहाँ पर इंजन है, बहुत स्मूथ, मतलब लिटरली इतना स्मूथ है, रिफाइंड है, अंदर तक आवाज ही नहीं आती अंटिल अनलेस आप 3000 rpm या उससे ऊपर जो है वो क्रॉस नहीं करते हो। चलाने में मजेदार, स्टेयरिंग फीडबैक इज ऑल्सो गुड, नॉट द बेस्ट बट हाँ अच्छा है स्टेयरिंग फीडबैक, ऐसा परेशान नहीं करता कि यार ओवर स्टीयर कर रहे हो तब जाके हल्का सा जो है वो घूम रहा है, ऐसी समस्या इसके अंदर नहीं है। तो पहले राठी भाई से जान लेते हैं। राठी भाई मुझे बताओ यार कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी वाड़ी चलाने में, कैसी लग रही है? चलाने में सर ये है कि जैसे बहुत सी गाड़ी मैंने चलाई है, लोड मानती है जैसे हाईवे पे दूसरे तीसरे गियर में, तो इसमें दूसरे गियर में आराम से इजीली उठा लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना मुझे रेस देने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ पिकअप की बिल्कुल नहीं लोड पड़ती है। अच्छा सीएनजी पे भी कितने किलोमीटर चला दिया आपने? सर मैंने 8000 किलोमीटर चला दिया। अच्छा 8000 किलोमीटर चला दिया अभी तक, मेरे ख्याल में पेड सर्विस तो
नहीं हुई होगी, चार महीने की पेड़ होगी अभी, कितने पे? 10,000 किलोमीटर पे वो पहली पेड़ होगी, अभी तक 3 करवा ली होगी मेरे ख्याल में, नहीं अभी 2 हुई है, 2 हुई, तीसरी सर्विस होगी, पेड़ वो पेड़ होगी। अच्छा, और तकरीबन आपको क्या लगता है, वैसे आपने मारुति सुजुकी पहले ओन नहीं करी, लेकिन क्या खर्चा आना चाहिए एक नॉमिनल, आप क्योंकि मारुति सुजुकी में रहते हो तो शायद एक अच्छा फीडबैक हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए। सर कस्टमर को सबसे बड़ी बात तो ये बताता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन मारुति गाड़ी ले रहा है तो इतना आपको पता है एवरेज, जैसे मान लो बुलेट होती है ना अप्रोक्स उसका 5-6 हज़ार रुपए खर्चा आता है, तो उसी उससे कम एवरेज में एक आपकी ब्रेजा हो या स्विफ्ट हो तो इजीली उन दोनों की सर्विस हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, तो तकरीबन 5,000 रुपए के करीब आप इसकी नॉर्मल सर्विस कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और अभी तक गाड़ी जैसे आपने चलाई है, मतलब इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है उस पर जरा बात कर लीजिए। बेटर है सर, साइलेंट इंजन है, डुअल वीवीटी डुअल जेट के साथ, बहुत साइलेंट इंजन है। क्या माइलेज दे रहा है वैसे अभी सीएनजी और पेट्रोल पे? सर सीएनजी की बात करूँ ऑन हाईवे 25 का एवरेज दे रहा है, लोकल की बात करूँ तो 22 का दे रहा है, 22 के करीब दे रही है, आराम से दे रही है सर लोकल में मेरा। अच्छा, और पेट्रोल पे? पेट्रोल पे सर मैं बात करूँ ऑन हाईवे मेरी 18 से 90 दे रही है फिलहाल, अगर मैं लोकल की बात करूँ 14 से 15 आराम से निकाल रही है इसलिए। ये तो बहुत अच्छा माइलेज है सर फॉर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए, तो बहुत अच्छा माइलेज। हाँ जी, तो मैं तो काफी, मेरे को तो वैसे भी ब्रेजा काफी पसंद है पहले से भी, मतलब मारुति सुजुकी में शायद एक ही गाड़ी ऐसी है और एक इग्निस, ये दो मुझे काफी पसंद आती है और ये दो रिकमेंडेशन पे भी रहती है बस, बाकी मुझे जो है वो इतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मारुति सुजुकी में भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा टेक से भी गाड़ियां जो है वो फिलहाल मारुति सुजुकी के पास में नहीं है, ये एक उनमें से एक है। जो आपने आफ्टर मार्केट सिस्टम लगाया है इस, ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितने का लगा था, क्या कॉस्टिंग आई थी इसकी? सर जो मेरा लगा है इसकी 12,000 की कॉस्टिंग आई है, और इसमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज के, हर्ट्ज के। हाँ। अच्छा, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप लिया है इसमें? सब चीज है सर इसमें। अच्छा, अच्छा चल रहा है तो यार, स्मूथ है, कोई दिक्कत? स्मूथ है, बेटर परफॉर्मेंस है, 2 साल की इसकी वारंटी है। हाँ। 4/64 के हैं, 4/64 इसकी रैम है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ ना, मैं इसे वाईफाई से कनेक्टेड है, अभी यूट्यूब है, लेकिन अक्सर जो गाइडलाइंस ये कहती है कि जब हम गाड़ी चला रहे हो तो ये वीडियो जो है वो प्ले नहीं होनी चाहिए, अब लेकिन ये तो आप प्ले कर सकते हो उसमें वीडियो चलाते चलाते भी, गाड़ी चलाते चलाते भी, सब काम हो रहे हैं सर। हाँ, ये तो खैर है, आज के टाइम आपको पता सर हर किसी को गाने सुनने का बहुत शौक है। हाँ। वीडियो सुनने का, गाने सुनने और गाने देखने में अंतर है ना, लेकिन आप चलाते चलाते कोई चीज देखोगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सर। उस चीज को लिए मैं बोलूंगा कस्टमर्स को कि वो चीज ना करें, अगर वो जब चला रहे हैं तो, या तो अगर उन्हें वीडियो सुनने का शौक है या देखने का शौक है, चला लो, पर उस पर ज्यादा फोकस मत दो, ध्यान मत दो, खतरा होता है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर गाड़ी खड़ी है तो ही आप इन सब चीजों को एक्सेस करो, चलाते टाइम तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे आप देखते होगे, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, बसों में देखते होगे, ट्रकों में देखते होगे, बिगड़ गाने के नहीं चलते हैं, ये हकीकत है। तो ऐसे बहुत हैं आज के टाइम में, 80% लोग हैं कि उनको गाने चाहिए चाहिए नहीं, गाने सुनना इज गुड, गाना सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो आपके डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बिल्कुल चीज है, आप जिस चीज के लिए कंसंट्रेट कर रहे हो गाड़ी भाई चलाने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसी में सर हम ही खतरे में और सामने वाला भी खतरे में, दो तीन जिंदगी आप दांव पे लगा रहे हो ना, प्रॉब्लम ही है सारी। चलो एनीवे, ये बारे में बात कर ली, इसका नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस बताओ मुझे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है, मैम आपको मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, जो ब्रेजा के हेडलाइट यूनिट है वो इस सेगमेंट में है ही नहीं किसी गाड़ी के पास में, नहीं है। लेकिन ये मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, अब शायद अब जो नेक्सॉन है उसमें बेस वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर आने लग गया, पहले समस्या अलग थी नेक्सॉन के साथ में, लेकिन अब बेस वेरिएंट से ही हम काफी मैन्युफैक्चरर देने लग गए। इसके टॉप वेरिएंट में दो दो प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप आते हैं जो अभी भी किसी सेगमेंट में नहीं आती, और एलईडीज के साथ में, लेकिन क्योंकि ये बेस है इसमें सिंगल प्रोजेक्टर है, मुझे आप बताओ कि कितना व्यू आपको मिल रहा है रात में चलते टाइम हाईवे पे और सिटी पे? हाईवे में सिटी में बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, इसका जो हैलोजन है वो प्रोजेक्टर की तरह ही है, पर ये की जो बहुत आज के टाइम हर किसी को शौक है एलईडी चाहिए, पर एलईडी ना जैसे फोग होता है जब सर्दी आ रही है, सर्दियों में बहुत दिक्कत देता है क्योंकि फोग कभी नहीं काटता, तो इसकी जो लाइटिंग है वो ऑलरेडी फोग काटती है। अच्छा, आजकल एक और टेक्नोलॉजी फिलिप्स शायद बना रही है, हालांकि महंगी है मेरे ख्याल में, 5-6 हज़ार रुपए के करीब की उसकी यूनिट पड़ती है, आप उसमें ना स्विच कर सकते हो, आप एलईडी स्विच कर सकते हो और आप हैलोजन पे स्विच कर सकते हो। हाँ जी सर, मैं गया था, मैंने शायद आपको बताया था पहले भी, मैं आज इसकी टॉप मॉडल में लाइट लेने गया था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एक लाइट 23,000 रुपए की पड़ रही है। हाँ। तो फिर मैं आफ्टर मार्केट आज मैं सर्च करने गया था दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे मुझे दो मिल भी, एक मतलब एक ही मिली थी सिंगल, मुझे कहते हैं सर मंगानी पड़ेगी, मिल जाएगी, तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं लूं या ना लूं, क्योंकि इसकी भी बेटर परफॉर्मेंस है, नीचे ऑलरेडी मैंने टॉप मॉडल वाली लगा रखी है, तो अभी मेरा 50-50 हो रहा है कि लूं या ना लूं, क्योंकि ये कि सर देखो ये भी टॉप मॉडल वाली है, बस इतना फर्क है वो येलो है, मतलब ये येलो है वो आपकी व्हाइट है, बस यही थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि सर्दी में बहुत दिक्कत देती है व्हाइट वाली, क्यों दिखती नहीं है, ये फोक काटेगी, वो फोक नहीं काटेगी। अच्छा, एक चीज और है, मैं इसका जो स्टीयरिंग महसूस कर पा रहा हूँ ठीक है, मतलब उससे ज्यादा शिकायत नहीं है, सस्पेंशन बहुत बेहतर हुए हैं, पहले सस्पेंशन जो है वो मारुति सुजुकी के थोड़ा सा पॉट होल्स में ना आवाज ज्यादा करते थे, लेकिन अब नहीं करते, रोड नॉइज वगैरह जो है वो बिल्कुल कट हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है, मतलब मुझे लगता अब इसके बाद कौन सी गाड़ी लोगे, अगर लेना चाहोगे तो मारुति सुजुकी पे ही रहोगे, अगर कभी 4-5-6 साल बाद मन किया तो, कौन सी मतलब एक होता है ना दिमाग में यार ये गाड़ी मुझे चलानी है, ये ड्रीम कंपनी है, जैसे फॉक्सवैगन स्कोडा, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको लेके हमेशा रहता है, लोगों को महिंद्रा की एसयूवी पसंद आती है, कौन सी है वो गाड़ी आपकी?
सर आगे का तो मुझे फिलहाल पता नहीं है, देखो 4-5 साल तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक है ये गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, मैं इसको कभी सेल भी नहीं करूंगा। 15 साल के बाद भाई ये कि बहुत से भाई सोचते हैं कि सेल कर दूं, ये कर दूं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। चाहे मेरी घर में मेरी खड़ी खड़ी सड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ही रखूं, कि भाई मेरी मेहनत की है, सही बात, मैंने अपनी मेहनत से लिए, पहली गाड़ी है मेरी, इससे पहले भी लिए पर वो पुरानी थी, पर जो मेरी ड्रीम कार थी सबसे पहले यही थी, पहले भी और अब भी। तो मैं अभी कभी सोचने सेल करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा इसको। अगर मेरी सेकंड परफॉर्मेंस जाती है तो मेरी जाती है स्कॉर्पियो पे, जो अभी हाल ही में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई है, क्लासिक। अच्छा, क्लासिक पे स्कॉर्पियो एन पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पहले जो स्कॉर्पियो मेरे पास ऑलरेडी पहले भी थी एक स्कॉर्पियो चाचा के पास, पर वो फैमिली वालों की थी, मैं अपने की बात करता हूँ, तो उसमें जो 100 से ऊपर जाते ना तो बहुत वो हिलती थी, वो बहुत दिक्कत थी। जैसे मैं इसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, अगर मैं दोबारा से परफॉर्मेंस के पहुंच गया मैं टॉपिक पे, तो उसके बारे में बताऊँ तो परफॉर्मेंस इसकी ऐसी है, मैंने 150-160 तक ये सीएनजी भगा रखी है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, बिल्कुल चिपक के चलती है, जैसे एक तरीके से आप स्विफ्ट ले लो या पोलो ले लो, तो वही सेम परफॉर्मेंस है इसकी जो मैंने महसूस करा। अच्छा, और जैसे बहुत सी गाड़ियां जैसे मान लो 100-120 से ऊपर जाने के बाद आवाज करती है, बिल्कुल सेम जैसे अभी आप चला रहे हो, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट ऐसी है बिल्कुल। और मुझे सबसे बेस्ट लगा, मुझे एक चीज और बताओ यार, सेकंड रो में कंफर्ट क्या आ रहा है अभी? सेकंड रो का अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने लोगों ने आपके साथ में ट्रैवल किया है और क्या कंफर्ट महसूस सर? अगर 3 लोग पीछे बैठे हैं तो फुल कंफर्ट के साथ जाते हैं, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी कि भाई ये दिक्कत है पीछे, आपका लेग रूम हेड रूम बहुत है। अगर 6.5 कोई बंदा पीछे बैठ रहा है तो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आराम से बैठ सकता है। अच्छा, एक चीज और है, आप जनरली जब देखोगे सीएनजी में ना, लोग ओनरशिप कॉस्ट जरूर पूछते हैं। अभी कैलकुलेट करिए आपने कि सीएनजी पे पर किलोमीटर कितनी चल रही है, कितने रुपए मुझे कॉस्ट कर रही है 1 किलोमीटर पे। ऐसा सर मैंने कभी एवरेज नापा नहीं है, देखो रियलिटी बताऊं, बस हाँ जब ये कि सीएनजी फुल करा ली उसके बाद ही देखता था अभी कितनी चल रही है, पर किलो में मैंने कभी नहीं नापा। अच्छा, कितने किलो अभी भर रही है इसमें? इसमें भी जो आ रही है आपकी 7.5 आ जाती है 7.5 आ जाती है 7.5 बिल्कुल, मतलब जब बिल्कुल ही ना हो तब 7.5 आती है। जी हाँ जी। अच्छा, 7.5 के करीब, और उसमें तकरीबन कितने किलोमीटर चल रही है भाई? मेरा अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे ऑफिस आ रहा हूँ तो मेरी आराम से इजिली 210-220 चल जाती है। अच्छा, इतनी चल जा रही है? हाँ, जैसे मैंने अभी मेरा घर गोविंदपुरम में रहता हूँ, तो जैसे वहाँ से मैं आता हूँ तो 20 किलोमीटर पर पूरा नेट को पड़ता है, तो मेरी अब 3 दिन से डेली ला रहा हूँ, अभी देखो आप देख रहे हो मीटर के अंदर आधी टंकी है, तो 60-70 किलोमीटर तक चल चुकी है। अच्छा, यानी कि ये 200-210 चल रही है साथ में ना, तो 30 तकरीबन यार 30 का माइलेज बता लग रहा है ये तो, लेकिन उस हिसाब से 30 से कम का, चलो 25 भी अगर हम मान लें, 25 लेके चलता हूँ। अच्छा, 25 लेके चल रहा है तो फिर तो बढ़िया माइलेज है यार, कोई दिक्कत नहीं है 25 में, तो ओनरशिप कॉस्ट भी मेरे ख्याल में 3 या 4, 3.5 रुपए के करीब आ रही होगी पर किलोमीटर। भाई जैसे मैं आफ्टर मार्केट अभी हमारे भैया है, मैं उनके साथ भी आ जाता हूँ कभी कभी वैगनआर में, तो उनकी गाड़ी खुद 180 दे रही है सीएनजी पे। अच्छा, तो उससे तो बेटर ही है मेरी, उससे तो बेटर ही है, सही बात है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर आपको सीएनजी नहीं लेनी होती तो कौन सी गाड़ी खरीदते फिर, पेट्रोल में या डीजल में? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे और कोई गाड़ी पसंद ही नहीं थी। अच्छा, मुझे दो ही गाड़ी पसंद थी, स्कॉर्पियो क्लासिक या ये। अच्छा, वो थोड़ा एवरेज से बाहर जाती क्योंकि मुझे अपनी मेहनत से लेनी थी। और दूसरा मेरा किया सेल्टोस पे भी 1% बन गया था, पर काफी मुझे उसमें शिकायत मिली कि एक तो मेंटेनेंस ज्यादा हाई है, और एक थोड़ा क्या नाम है, मुझे उसका लुक भी इतना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, इसलिए फिर मैंने वो रिजेक्ट कर दी, मगर छोड़ो उसको नहीं लेते, मैं इसी पे गया। चलो, ये तो थे मेरे साथ में राठी भाई, और थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, दोबारा इनको अप्रोच करेंगे और जानेंगे इनके फीडबैक, ये भी चला लेंगे 20-25-30,000 किलोमीटर्स। हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, अंडर कनेक्शन बाबा डी, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, बाय, सेफ ड्राइविंग।